नमस्कार, जय जगन्नाथ, जय माता दी, जय गुरुजी। वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ गुफ्तगु विद सस्मिता संग्राम। तो आज है हमारा पहला एपिसोड और मैं काफी एक्साइटेड हूँ क्योंकि आप सब लोग हमें रोज देखते हैं, रोज सुनते हैं और आपको पता है हमारे बारे में कि हम सिंगर हैं, हम उड़ीसा से हैं और लेकिन हमें कुछ नहीं पता है आपके बारे में। हमें भी जानना है कि जो नाम हम रोज देखते हैं, रोज पढ़ते हैं, वो आखिर हैं कौन, कहाँ से हैं, क्या करते हैं, उनके बारे में हमें भी जानना है। सो जैसे कि हमारा ये पहले से प्लानिंग था कि जब हम 2.5 मिलियन वाले फैमिली बनेंगे और ये जो फैमिली हमारा जब 2 इयर्स कंप्लीट हो जाएगा तब हम कुछ नया शुरू करेंगे। तो नया ये है और वी होप कि आपको जरूर अच्छा लगेगा। आप सब लोग हमसे मिलना चाहते हैं, सब लोग ये चाहते हैं कि हम आपका नाम लें, तो ये छोटा सा एक प्रयास है आप लोगों को खुश करने का, आपके बारे में जानने का और पूरे एसएस फैमिली को एक दूसरे से कम सब लोग सबके बारे में जानेंगे, पहचानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का शो, पहला शो। मैं ये जरूर आशा करूंगी कि आप लोग हमेशा की तरह इस शो को भी सपोर्ट करेंगे, बहुत ज्यादा शेयर करेंगे जैसे आप लोग करते आए हैं। तो प्लीज पहले एक एक शेयर कर दीजिए। और मुझे नहीं पता कि आज गेस्ट कौन होंगे, वो हम लोग देखेंगे, लेकिन पहले हम एक एक शेयर कर देते हैं। मैं भी शेयर करती हूँ, आप लोग भी शेयर कीजिए। वन के आ जाएं, फिर शुरू करेंगे। जल्दी से शेयर कर दीजिए। तो ये रहा, मैंने शेयर कर दिया। करेंगे, बहुत ज्यादा शेयर करेंगे। चलिए आप लोग शेयर, आपका शेयरिंग हो गया, मैं देखती हूँ कितना शेयर हुआ। ओनली 80 शेयर्स हुए हैं, प्लीज शेयर कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा। तो हमारे व्यूअर्स सब रेडी हैं आज के शो के लिए? रेडी हैं? यस तो लिखिए। हाय, तो आज अपना एपिसोड 1 के कौन है वो नंबर 1 व्यूअर, देखते हैं। हाय 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 सुष्मिता जी, नमस्कार, जय जगन्नाथ, जय माता दी, जय गुरु जी, जय जगन्नाथ। कौन है वो पहला नंबर 1, क्या बात है। I'm the lucky one. Great to see you, Sushmita ji. Thank you so much. मेरा नाम लेने के लिए means I'm the luckiest one. नहीं, मैंने इसे जो भी नाम आ रहे हैं, स्क्रॉल हो रहे हैं, तो तुरंत ही मैंने दबा दिया और वो लकीली सुमन गुप्ता जी निकले। और सुमन जी जिनको हम रोज देखते हैं उनका कमेंट सबसे स्पेशल होता है, कुछ लोगों का कमेंट बहुत स्पेशल होता है, उसमें से है सुमन गुप्ता जी जो कि हमें बहुत इंस्पायर करते हैं। तो चलिए जानते हैं सुमन गुप्ता जी कहाँ से हैं, क्या करते हैं, गुफ्तगू करते हैं। सुमन जी, ओवर टू यू। ओके, थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब समझती हूँ कि एसएस फैमिली के साथ जुड़ी एंड अभी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। सीरियसली आई एम सो एक्साइटेड कि ऐसे फैमिली से जुड़ी हूँ, एक पार्ट हूँ उसका। और
ओके, माई सेल्फ इज सुमन गुप्ता एंड आई काउंट माई सेल्फ एज द बिगेस्ट फैन ऑफ सुष्मिता एंड संग्राम. यस, एंड बेसिकली आई एम फ्रॉम दिल्ली एंड सिचुएटेड इन कलपाकम विच इज द पार्ट ऑफ तमिलनाडु. एंड मी एंड माई फैमिली आर हियर. एंड मैं और मेरे हस्बैंड एक न्यूक्लियर प्लांट में वर्क करते वाह, थे. इट्स इन द इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च. इट्स अ पार्ट ऑफ BARC, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर. बट फॉर द टाइम बीइंग आई एम टेकिंग केयर ऑफ माय चिल्ड्रन एंड मैं एक हाउसवाइफ हूँ, प्राउड फील करती हूँ. दैट्स वो ऑल सबसे अबाउट बड़ा काम मी. होता है। यस, यस मैंने मतलब बीइंग अ मदर एक दोनों लाइफ को जिया है, एक मदर का भी और एक प्रोफेशनल वर्कर, प्रोफेशनल लेडी. लेकिन मुझे लगता है कि सबसे प्राउड और सबसे टफेस्ट जॉब एक मदर की होती है. और यस मुझे बहुत एंड आई एम फॉर्चुनेट इनफ बाय गॉड टू हैव अ ब्यूटीफुल चिल्ड्रन, टू चिल्ड्रन. वाह, तो दैट्स नाम भी बता दीजिए आपके जो चिल्ड्रन है। अच्छा. ओके, मेरी बड़ी बेटी है जिसका नाम याशिका है और बेटे का नाम भवित गुप्ता. और वाह, बिटिया अभी 8th स्टैंडर्ड में है और बेटा अभी 2nd स्टैंडर्ड में आया है. वाह। तो जी सुमन जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आप कब से सस्मिता संग्राम को जानते हैं, यानी कि कब से फॉलो करते हैं? मुझे अच्छे से याद है. ये एक मेरे लिए बहुत ब्यूटीफुल मोमेंट है जो मैं कभी नहीं भूलना चाहती हूँ. ये 2021 का किस्सा है. अप्रैल में, पता नहीं किसी ने शेयर किया था शायद फेसबुक पे कोई वीडियो, और ये मुझे दिखा रहा था सुष्मिता संग्राम इज लाइव. तो मैंने जाके देखा. उससे पहले मैंने कभी कोई लाइव नहीं ज्वाइन किया था, कोई एक्सपीरियंस नहीं था. सॉन्ग से भी मैं बहुत दूर थी, एजुकेशन में पूरी लाइफ निकली है. तो लेकिन द वाह, मोमेंट आई हर्ड योर वॉइस संग्राम जी एंड योर वॉइस, मेरे रोंगटे खड़े हो गए. एंड आई रैन एंड मैंने अपने हस्बैंड को बोला, देखिए ना, दे वॉइस इज सो क्लोज टू ओरिजिनल सिंगर्स. और वो दिन था और आज का दिन है. आई एम टोटली अटैच्ड एंड कंटिन्यूड माई जर्नी फ्रॉम अप्रैल 2021 टू नाउ, टिल नाउ. एंड मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ. एंड एक नॉर्मल व्यूअर थी अप्रैल में 21 में, और अब एक पार्ट हूँ SS फैमिली का. तो एक ये पार्ट जर्नी नहीं, आप बहुत एक बहुत यादगार. इम्पोर्टेंट पार्ट हो। तो थैंक यू सो मच. थैंक यू, थैंक यू. और एक चीज मुझे बताइए, ऐसा क्या खास है जो आप अप्रैल 2021 से अप्रैल 2022 तक एक जनरल व्यूअर से आप अब एक सपोर्टर हो, स्टार सेंडर हो बिल्कुल और सबसे अच्छा बिल्कुल कमेंट भी करते हो, ऐसा क्या जी. थैंक ऐसा खास लगता है आपको? यू. खास मुझे ये लगता है कि मुझे सीरियसली एक फैमिली जैसा लगता है. मुझे लगता है कि सुष्मिता संग्राम मतलब लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. मतलब जैसे अपनी एक फैमिली होती है, और जो प्यार मिला मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था. सीरियसली, फ्रेंकली स्पीकिंग, आई नेवर एक्सपेक्टेड दैट डिजिटल मीन्स डिजिटलाइजेशन में भी आपको एक फैमिली जैसा प्यार मिल सकता है. मतलब लेकिन सीरियसली मुझे ऐसा लगा कि एक प्यारा सा दोस्त मिला है, और एक भाई जैसे संग्राम भैया मिले, और एक SS फैमिली मिली. धीरे धीरे प्यार बढ़ता गया. एक्चुअली पहले कुछ लोगों से अटैच थी, फिर जैसे ही इन्वॉल्वमेंट बढ़ा, फैमिली बढ़ी, कॉन्टैक्ट बढ़े, इतना प्यार मिला. और टिल नाउ आई एम ब्लेस्ड दैट आई एम गेटिंग दैट लव टिल नाउ ऑल्सो, एंड इट इज मोर एंड मोर एंड मोर. आई एम लिटिल नर्वस. इम्पोर्टेंट, आप एक रेगुलर व्यूअर हो और हमारे लिए खास हो, तो कुछ सजेस्ट करना चाहोगे आप? सजेशन लीजेंड्स को क्या सजेस्ट करना, आप तो इंस्पिरेशन नहीं है. है। रीजन से सीखा जाता है, सजेस्ट नहीं किया जाता. एंड सीरियसली फ्रेंकली स्पीकिंग, आप लोग मींस मुझे अच्छे से याद है जब मैंने ज्वाइन किया था, आप लोगों का ही सुष्मिता संग्राम वाज द ओनली पेज व्हिच वाज कमिंग लाइव, व्हिच वाज कमिंग लाइव. और उस टाइम हम सब कोविड पैंडेमिक के टाइम घर में बैठे थे, समझ नहीं आता था क्या करें. ना टीवी में मन लगता था, बच्चे भी घर में थे, फैमिली घर में थी, हाउ टू डिवोट द टाइम. और जब आप लोगों से मिली तो मतलब ऐसा लगा कि बहुत एक परिवार मिल गया हो.
और यू आर द इंस्पिरेशन. और उसके बाद अभी देखें तो आई थिंक मोर देन 100 लाइव्स आर गोइंग ऑन. अभी 100 से ज्यादा लाइव चल रहे होंगे एज पर माई नॉलेज, लेकिन नो वन इज केम टू दैट लेवल. आई मीन फ्रेंकली, थैंक यू क्योंकि आप थैंक लोगों यू। की सिंगिंग क्या है ना, बाई हार्ट आती है, प्योर है, पायस है, एंड यू आर एडिक्ट, यू आर अटैच टू योर सिंगिंग. मीन्स नो नौटंकीबाजी, ओनली सिंगिंग बाजी है, प्योर सिंगिंग बाजी. थैंक यू सो मच सुमन जी फॉर यस, थैंक जॉइनिंग। एंड यू. हम ये आशा करेंगे कि आप जैसे प्यार देते आए हो, अभी जो दे रहे हो, वो आगे भी जारी पक्का रहेगा। थैंक हमेशा बढ़ेगा यू सो बढ़ेगा. एंड वन मोर थिंग सुष्मिता जी, मच। लव यू माय एसएस फैमिली. चलिए, एस एस फैमिली के सारे लोग आपको देख रहे हैं और बहुत सारे कमेंट्स भी लिख रहे हैं, और मैं वो क्योंकि स्क्रीन आधा है मैं वो नहीं देख पा रही हूँ। चलिए, अच्छा, तो थैंक यू थैंक ज्वाइन करने के यू, लिए। थैंक नमस्कार। यू सो मच, थैंक यू, तो चलिए हम लोग नमस्कार. नेक्स्ट गुफ्तगु करते हैं। थैंक टू कंटिन्यू. यू। यस, ओके. तो ये थे सुमन गुप्ता जी चेन्नई से। अब हम लोग किसको लेंगे सेकंड, और किनको लेंगे हम लोग? तो आप लोग जान गए होंगे अब सुमन जी के बारे में कि वो कहाँ से हैं। नेक्स्ट हम किनको लेंगे? पहले आप लोग ये बता दीजिए कि आपको ये शो कैसा लग रहा है। अब नेक्स्ट देखते हैं किनको, हमारे फैमिली के एक बहुत ही सीनियर जिनको मैं शायद पहले से देखती आ रही हूं ऐड हो रहे हैं। मनोज बिशंबरी जी नमस्कार। नमस्कार नमस्ते, मनोज नमस्कार, बिशंबरी जी। नमस्कार सुष्मिता जी. और हेलो, आवाज पहुंच रही है? जी, हम सुन पा रहे हैं। हाँ, पहले तो फर्स्ट एट ऑल आपको 25 लाख हमारे जो व्यूवर्स फॉलोअर्स जो आपको फॉलो कर रहे हैं उसके लिए जो है बहुत बहुत बधाई. और मैं आज सेकंड बार आपका ये लाइव वीडियो ज्वाइन कर रहा हूँ. और पहले मैं अपने बारे में बताऊँ, जी मैं बिलोंग करता हूँ वाराणसी शहर उत्तर प्रदेश से, अच्छा वाराणसी से. और करीब मैं 2 सालों से, यानी 2020 मैंने फर्स्ट आपका जो है सितंबर महीने में आपको आपका वीडियो मैंने अपने मामा के रिश्ते के मामा थे उनके थ्रू मैं मेरे पास आया और मैंने वो आपका प्रोग्राम देखा तो बहुत ही अच्छा लगा. और उसके बाद से कंटिन्यूसली मैंने कोशिश की है कि कुछ एक दिन मेरे इस साल में प्रॉब्लम आई पर मैंने वीडियो आपका रिकॉर्डिंग अवश्य देखता रहा. आपके जी प्रोग्राम को देख के बहुत ही अच्छा लगता है, मतलब ऐसा लगता है कि मैं रियल में मैं म्यूजिक का बहुत बड़ा फैन हूँ. और आप दोनों की जो गायकी है वो रियली एकदम टच हार्ट को एकदम टच कर जाती है. और फर्स्ट फर्स्ट एट ऑल ये है कि आज हमारा ये जो विवश है संगीत की दुनिया में एक अद्भुत रिकॉर्ड आपने बनाया है. और ये रिकॉर्ड जो है हम समझते हैं कि शायद ही कोई अब बना पाएगा क्योंकि आप कंटिन्यूअसली. नहीं नहीं, नहीं मेरी अपना ओपिनियन ये है कि आप जिस तरीके से आप लोग स्माइलिंग फेस से और बहुत ही सरल भाव से आप अपने व्यूवर्स को, अपने फॉलोअर्स को, अपने सपोर्टर्स को इंक्रीज करती हैं और मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है. मेरा पूरा परिवार आपके लिए देखता है. आज मेरे यहाँ चूंकि 11 से एक महाप्रभु जी वल्लभाचार्य जी की एकादशी है, मेरा पूरा परिवार उधर ही गया हुआ है. हमारा एक पुराना मकान हमारा एक पुराने बनारस में है, अभी हम कॉलोनी में रहते हैं पर हमारा सारा परिवार जो है उधर ही गया हुआ है. तो आज संजोग की बात है, मैंने आपको ज्वाइन करने के लिए मैं आज उधर नहीं गया. मेरे थैंक यू अपने थैंक यहाँ एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है
और जो हम वल्लभाचार्य जी की जयंती के रूप में मनाते हैं आज। खैर, और तो सर आपकी मैं जो, ये जानना चाहूंगी कि आप कब से हमें देख रहे हैं और कब से फॉलो कर रहे हैं। मैंने वैसे आपका पहला वीडियो 2017 2017 अच्छा मैंने आप यस मैंने पहला वीडियो आपका देखा। उसके बाद मैंने एक भजन का आपका प्रोग्राम मैंने देखा जब लाइट शो 2020 नहीं में। हुआ था, जब यस, लाइट शो उस नहीं हुआ समय था। आप सिर्फ सस्मिता विश्वाल विश्वास की पेज के नाम से जानी जाती थी। अच्छा मैंने मैंने आपका सस्मिता विश्वाल का पेज देखा था केवल, और उसमें मैंने अच्छा डायरेक्ट लाइव नहीं देखा पर वीडियो देखा। और फिर मैंने ज्वाइन किया आपको 2019 में। आपकी और संग्राम जी की जो गायकी है, मैं बरोबर ओल्ड गीत का बहुत ही ज्यादा शौकीन हूँ, और आपने इतने अच्छे अच्छे पुराने गीत गाए हैं कि जो आज भी मेरे को दिल में, मैं बार बार वही सुनता हूँ। आपके प्रोग्राम खत्म होने के बाद रात में उसको लगा के सुनता रहता हूँ, जब तक मेरे को नींद नहीं आती। बहुत ही अच्छा ये परफॉर्मेंस आप दोनों जन का रहता है, टचिंग हर्ट एकदम है। थैंक यू और सो मच सर। और हाँ ऐसे ही आप हमारे फैमिली के एक सीनियर, मतलब जो कि हम बड़े यस मानते हैं यस आपको, गुरुजन यस मानते हैं, यस तो यस ऐसे ही अपना आशीर्वाद रखिए हमारे ऊपर। और नहीं, बिल्कुल रहेगा, बिल्कुल रहेगा। मैं एक सब कह के खत्म करना चाहता हूँ कि जी अभी जो है कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी की बहुत सार बाकी है। यहाँ से चले हैं कई मंजिल के लिए, यह तो एक पन्ना था, अभी पूरी किताब आपकी बाकी है। तो अभी तो वाह, आपको थैंक बहुत कुछ हम ऊपर पहुंचने के देखना चाहते हैं सर मैम। यू थैंक यू थैंक यू। हाँ, हमारी तरफ से पूरी पूरी बधाई आपको, और जितने मेरे पेज के फॉलोअर्स, जो ग्रेट फॉलोअर्स हैं, जो आपको कंट्रीब्यूट करते हैं, क्योंकि जी मैं उस लेवल में नहीं कर जा पाता, पर मैं सोचता हूँ कि जो भी आपको कंट्रीब्यूट, जो भी बाहर से या इधर के लोग हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं मेरे को, अपने हृदय से उनका मैं आभारी हूं कि आपके पेज को वो इतने ऊपर ले जा रहे हैं उनके सहयोग से, और जी हम सभी व्यूवर्स के सहयोग से आप जो है हमेशा इसी तरह चलती रहें और अपनी ऊंचाइयों को छूती रहें। थैंक यू धन्यवाद, सो मच सर। नमस्कार। धन्यवाद, नमस्कार।